नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग BTSC ANM जो 10709 की बहाली है उनको लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर क्या अपडेट है और आयोग क्या कर रही है आप लोगों की बहाली को लेकर। और जैसे कि आप सबकी जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इसमें एग्ज़ाम होना तय हो चुका है या क्या कुछ किए जाएंगे BTSC ANM में आयोग के द्वारा, तो इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यदि हम आपकी बहाली की प्रक्रिया की बात करें तो वैसे अभी BTSC जो वैकेंसी है उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत सारे वैकेंसी की स्टार्ट कर दिया है। और आप लोगों की बहाली की बात करें तो उसमें एग्ज़ाम को लेकर जो आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात करने का जो अभी निर्णय लिया है कि हम इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे या उसको बाहरी की जो प्रक्रिया है उस आधार पर हम प्रोसेस पूरा करेंगे। और इसको लेकर सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम लोगों का जो बहाली होनी चाहिए वो पुराना नियमावली के तहत ही होनी चाहिए, जो 2018 वाली नियमावली थी और उसी के तहत आप लोगों का फॉर्म फिलिंग भी हुआ है। तो इसको लेकर आप लोग आयोग से अपना जो क्वेश्चन है या आपकी जो मन में है कि हम लोग के जो पुराना नियमावली है या जिस तरीके से हम लोग को फॉर्म फिल किया गया उसी आधार पर बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए, ये अपनी मांगे रख सकते हैं आयोग के सामने। और वैसे अभी आयोग कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है कि इसमें एग्ज़ाम लेकर हम बहाली का प्रक्रिया करने जा रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे कोई निर्णय आयोग की तरफ से लिया जाएगा, यदि BTSC की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो ऑफिशियली नोटिस जारी करेंगे, लेकिन अभी तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आए हैं आयोग की तरफ से। अभी तक BTSC की तरफ से ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं आया है। यदि एग्ज़ाम को लेकर पेपर में दिया गया था कि हम एग्ज़ाम लेंगे, तो पेपर में दो बार ये भी दिया गया था काउंसलिंग डेट भी। आप ये भी ध्यान में रखिए कि काउंसलिंग में दो बार आयोग के तरफ से ही पेपर में दिया गया था कि हम काउंसलिंग अगले माह में करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। और लेकिन अभी तक BTSC जब दो बार जैसे कि पेपर में दे दिया था काउंसलिंग को लेकर कि काउंसलिंग हम करेंगे अगले माह काउंसलिंग करेंगे, अगस्त को लेकर भी कहा, जुलाई में भी बोले गए थे कि हम अगले माह काउंसलिंग करने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ पेपर में दिया गया था, पेपर में आर्टिकल छापा गया था आयोग की तरफ से BTSC की तरफ से, लेकिन लिखित नोटिस नहीं निकाला था, तो इसलिए अभी तक इसका काउंसलिंग भी नहीं हुआ है। वही यदि हम बात करें एग्ज़ाम वाली जो बातें चल रही है या जिसको लेकर अभी तक जो पेपर में दिया गया था, तो वो भी अभी तक पेपर में ही एक रोज़ छापा गया दिया गया था कि हम एग्ज़ाम को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उससे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पैटर्न तैयार करेंगे, सिलेबस क्या रखा जाएगा। और उसमें ये भी बात नहीं कही गई है कि वैकेंसी को रद्द किया जाता है या इसको अब एग्ज़ाम के तरीके से बहाल किए जाएंगे, फिर से सारा प्रोसेस होंगे, ये बात का भी चर्चा नहीं था। सिर्फ उसमें एक ही चीज़ बोले गए थे कि आयोग और स्वास्थ्य विभाग के बीच में अभी वार्ता चल रही है, कोई आप एग्ज़ाम पैटर्न लिए जाएंगे तो उसको किस आधार पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन BTSC की तरफ से अभी तक नोटिस नहीं आए हैं कि एग्ज़ाम को लेकर। तो आप लोग वैसे यदि तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लेंगे तो आप लोगों को समय भी कम मिलेगा। और वैसे अभी तक आयोग के जो ऑफिशियल जो नोटिस है वो अभी तक नहीं आए हैं और आप लोग का लगातार मांगे भी रही है कि हम लोग की जो बहाली है वो मार्क्स आधार पर ही होनी चाहिए। और आयोग BTSC आयोग अभी 3 वैकेंसी को मार्क्स आधार पर कर भी रही है बहाली, वो आप सब ने देखे होंगे और सारा हम अपडेट आपको बताए भी है कि अभी जो हाल में ही परसों से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि 8 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया होने जा रही है आयुष डॉक्टर के, उसके बाद उससे पहले जुलाई में भी किए गए और उससे पहले भी काउंसलिंग किए गए, तो सबको उसी आधार पर किया गया। तो आप लोग का भी राय है कि उसी आधार पर मेरा भी प्रक्रिया होनी चाहिए, इसको लेकर आपको आयोग से बात करनी होंगे। और जो भी आयोग निर्णय लेंगे या कोई भी ऑफिशियली न्यूज आएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर या बहाली को लेकर, तो सारी जानकारियां आपको साझा करेंगे। आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि इसमें क्या कुछ होने वाले हैं,
तो अभी तक इसको लेकर आयोग ने कोई भी ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया है। तो आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए और हो सके तो पढ़ाई स्टार्ट करिए और पढ़ते रहिएगा, तो उससे थोड़ा आपको बेनिफिट ही होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घाटा लगेंगे, तो जो भी हो और आगे जो होंगे वो तो आप लोगों का बहाली होगा ही, ऐसा नहीं है कि रुकेगा, थोड़ा सा लेट लग रहे हैं। तो और जो भी न्यूज़ आएंगे वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।